सारे भाइयों ने राम राम। मैं प्रदीप कुमार, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज हमारे साथ हैं बाबा बेगदास जी के बेटे सतपाल सिंह, जो कि ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 11 से 20 के उम्मीदवार हैं, और आज ये हमारे पास पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि ये कोई भी चुनाव लड़ सकें, लेकिन फिर भी मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इन्होंने ये कदम उठाया और इस चुनाव में लड़ने के लिए साहस दिखाया। तो हमारे साथ हैं सतपाल सिंह जी। नमस्कार सतपाल सिंह जी। नमस्कार जी। सबसे पहला हमारा जो सवाल होगा वो ये होगा कि आप इस चुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? मैंने चुनाव लड़ने का फैसला ये लिया कि मैं अपने गांव के लोगों की सेवा कर सकूं, और जो काम गांव में जो काम रुके हुए हैं वो काम उनके करवा सकूं, जो दिक्कतें मुश्किलें लोगों को आती हैं वो भी उनकी पूरी हो जाएं। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है कि मैं अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं। पहले तो मैं सबसे पहले कहता हूं, मैं मेरी सभी माताओं और बहनों, भाइयों, नौजवान और युवा और बुज़ुर्गों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार बोलता हूँ, सत श्री अकाल नमस्कार बोलता हूँ, और मैं अपने पिता श्री बेगदास जी की तरफ से और माता राज कौर की तरफ से सत श्री अकाल नमस्कार सभी को बोलता हूँ। और जैसा कि देखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पर पूरा खर्चा कर रहे हैं, बैनर बनवा रहे हैं, पर्चे छपवा रहे हैं, और गांव में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है अनाउंसमेंट का। सर जी, बात ये है, मेरे घर की जो स्थिति आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ना तो ज़मीन है, ना जायदाद है, और ना मैं नौकरी पे हूँ, ना मेरा कोई बिजनेस है। चलो, मैंने फिर भी कदम उठाया और हौसला किया मैं इलेक्शन में आऊँ, और इलेक्शन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ। ठीक है जी, आप सभी को पता है मैं आपका जाना पहचाना, आपका बेटा, भाई, भतीजा, सभी कुछ मैं आपका हूँ। अब मैं बाहर का कोई नहीं हूँ, आप सबको पता है भाई, यही है मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, और मैं जिला प्रसिद्धि के ब्लॉक समिति के 11 से 20 वार्ड में जो मेरा निशान है वो है दीवारगढ़ी। आप इधर देख रहे हैं दीवारगढ़ी का निशान है, ये मेरा बैनर है। मैंने कम से कम बैनर बनवाए, पोस्टर भी कम बनवाए हैं, जो पैम्पलेट है वो भी कम बनवाए हैं, क्योंकि मेरी कुछ घर की ऐसी परिस्थितियाँ थी, वो जो आर्थिक जो मेरे घर का तरीका था, मतलब एक दशा थी, वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कम से कम मैं खर्चा कर रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा खर्चा करने का मतलब ऐसा नहीं है जी। आपको अपने भाईचारे से कैसा सहयोग मिल रहा है? मैंने वो उनसे मेरे भाई सारे जितने जो मेरे गांव के लोग हैं और वार्ड के लोग हैं उनका बहुत अच्छा मेरे को आशीर्वाद उनका मिला है, सहयोग मिला है, साथ मिला है, और समर्थन भी मिला है। और मैं उनकी तरफ से अपने भाईचारे को पहले मैंने इकट्ठा किया, उनकी सलाह ली, उनकी सलाह लेके वो कहने ठीक है भाई, अपने अपने परिवार में ऐसा कोई आज तक नहीं बना जो इलेक्शन में नहीं आया, इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ, तो आप देखो देख लो भाई, सभी देख रहे हैं, सभी इलेक्शन में खड़ते हैं जी, सबका करता है जी, जी। कोई भी काम करता है वो अपनी तरफ से सोच समझ के करता है, किसी को कोई नौकरी करनी है वो सोचता है भी मैं कौन सी नौकरी करूं, किसी को कोई काम सीखना है वो सोचता है भी मैं कौन सा काम सीखूं, कौन सी लाइन ठीक रहती है। इसलिए मैंने सोचा चलो भाई, और तो अभी चलो दूसरे काम बहुत हैं करने को, ठीक है बंदा करता रहेगा, करेंगे भी, लेकिन चलो हम पहली बार ये मैं इलेक्शन में उठाऊँ, इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैं अभी से आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, सहयोग देकर, और प्यारा अपना प्यारा आशीर्वाद देकर और समर्थन देकर, अधिक से अधिक अपनी कीमती वोट देकर मुझे विजय बनाएं जी और सफल बनाएं जी, आप सबका धन्यवाद। और एक बात और, जैसे कि आपने जो घर के बाहर टेंट लगाया उसमें सिर्फ पानी रखा हुआ है, बाकी और कैंडिडेटों को अगर देखें तो शराब पिलाई जा रही है। देखो जी, हम किसी को नशीला नहीं बनाएंगे, कोई नशा करे, नशे कई प्रकार के हैं, ना तो मैं आप शराब पीता हूँ जी, मेरे परिवार को कोई शराब नहीं पीता, और मैं भी नहीं पीता, और मैं दूसरों को भी नहीं पिलाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं,
मैं किसको शराब पिलाऊंगा, मैं किसी को अंडे मीट नहीं खिला सकता, मैं किसी को मिठाई नहीं खिला सकता। जितना मेरे से बनेगा, मैं अपने दिल से कहता हूँ, पूरे तन मन से कहता हूँ, जितना मेरे से बनेगा मैं उतने करूँगा। मैंने देखो इतना एक कदम उठाया, रिस्क लिया, बहुत बड़ा कदम उठाया। मेरे और भाईचारे में से किसी भाई ने इतना कदम नहीं उठाया। और जितना मेरे दिमाग में इतना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। पर आज माया की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, माया कह लो पैसा, ये मेरे पास कम है। अगर मेरे पास होता तो मैं इन सभी लोगों से ज़्यादा पैसा खर्च के दिखा देता और जगमडारे भी लगा, मैं पकौड़े मिठाई सभी कुछ इनको खाने को देता। ठीक है जी, अगर भगवान ने चाहा कभी मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा धन दौलत होगा, मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा और लंगर भी लगाऊँगा, चाय पानी सभी तरह की सेवा इनकी करूँगा। वैसे भी मैं इनके दुख सुख में भी रात दिन खड़ा रहूँगा और खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा। मैं इस इलेक्शन में जीतूँ ना जीतूँ, मैं बनूँ ना बनूँ, कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास काम और भी है, काम करने के लिए मेरे पास है। भगवान ने मेरे को रोज़गार पहले ही बना रखा है, लिख रखा है, भी तेरे को रोज़गार मिलेगा बेटा, तू घबरा ना। ये तो वैसे चलो हमने पहले एक वैसे कदम उठा लिया, रिस्क ले लिया, ठीक है। नहीं ना तो मैं किसी के बकाई में आया, किसी ने मेरे को बकाया नहीं, ना उंगली लगा, कहते तेरे को तो उंगली लग रही है भाई, तू तो बका दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने दिल से सोचा है भाई, मैंने तो ये काम करना है। वैसे मैं गुरुद्वारे का पाठी भी हूँ, पाठ करता हूँ, ठीक है जी, और धर्म से जुड़ा हूँ, धर्म की किताबें ग्रंथें पढ़ता हूँ, ग्रंथ मेरे से मैंने ग्रंथ भी पढ़े हैं और हिंदू धर्म के ग्रंथ भी पढ़े हैं और पुस्तकें भी पढ़ी हैं, पुस्तकें जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो भी पढ़ी हुई हैं। मैं इन सभी से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, और मेरा नाम सतपाल है, मेरी राशि कुंभ राशि का बंदा हूँ मैं। जो हम काम करेंगे, मैं तो ये कहूँगा भी ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलो, सच में ही सब कुछ है। झूठ बोलेंगे तो उससे मतलब झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, जरूरत से ज़्यादा झूठ बोलोगे। देखिए सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों और बुजुर्गों माता पिताओं के समान जितने भी सभी अपने भाई बहन होते हैं, माता पिता के बराबर, मेरे माता पिता जी तो अब हरिद्वार चले गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे माता जी भी चली गई, पिता भी चला गया, एक मेरा बड़ा भाई था वो भी स्वर्गवास हो गया है, वो हरिद्वार चले गए हैं, उनका निवास वहीं है। तो चलो अब उनका आशीर्वाद बना रहे, मैं तो उनके चरणों में यही नमस्कार करता हूँ। मैं देखो जितनी बोलूँगा, हम तो सच बोलेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे। चलो झूठ बोले तो हिसाब की झूठ बोलो, ज़्यादा झूठ बोलने से पेट में दिक्कत हो जाती है, ये खराब करती है झूठ, ये ऐसे नहीं चलती। झूठ जो झूठ का सहारा लेता है वो आदमी नहीं होता, वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए झूठ बोलता है और दूसरे को दबाने के लिए झूठ बोलता है, भाई मैं ऊपर उठ जाऊँ इसको दबा दूँ, इसलिए वो लोग झूठ बोलते हैं। झूठ का कोई फ़ायदा नहीं है जी, ठीक है। झूठ बोल को आप मेरे को जो कितना जितना मर्जी गिरा सकते हो, मेरी बेइज्जती कर सकते हो, मुझे बुरा कह सकते हो, लेकिन दूसरी बात यह है मैं कभी बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि फरीद भगत ने कहा है बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए। भाई बुरे आदमी का कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर हम बुरे का भला करेंगे, उसका अच्छा सोचेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, तो वो कभी ना कभी अपने आप मेरे पास चल के आएगा और मेरे से माफ़ी मांगेगा। उसके दिमाग में उसके दिल में ये होगा भी यार ये आदमी तो अच्छा निकला है, ये तो आदमी ऐसा नहीं था, इसने तो देखो मैंने इसका बुरा किया और इसने मेरा भला सोचा, ठीक है जी। हम ऐसी सोच के आदमी हैं, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, ना मैंने पहले कभी किया, ना मैं अब करूँगा, ना आगे करूँगा। मैं तो सोचूँगा, हम अरदास में कहते हैं, मैं पाठी बंदा हूँ, अब जब भी हम किसी के पाठ पे अरदास करते हैं, गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भणे सरबत का भला, हम सरबत का भला मांगते हैं। सरबत में कहते हैं भी सभी गांव, मोहल्ला, जिला और कुछ भी है, मतलब पूरी सरबत में सारी दुनिया आ जाती है, तो हम सभी का भला मांगते हैं। गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भणे सरबत का भला, सरबत है भी सारी दुनिया, इसलिए हम किसी को कभी किसी का गलत नहीं चाहा। अगर किसी का कहते हैं बुरा भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना चाहिए, किसी के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, किसी को अत्याचार जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा देखना नहीं चाहिए, ठीक है जी। मैं यही कहूँगा भाई सबके लिए अच्छा करें, अगर किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, भाई तेरा ये काम नहीं बनेगा तो रहने दे यार, तेरे से नहीं बनेगा, तू नहीं कर सकता इसको,
ऐसी सोचोगी, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपने मेरा काम करना है, करिए, दिल से करिए, प्यार से करिए, खुशी से करिए। अगर नहीं करना चाहते तो मेरे को गुमराह क्यों करते, मेरे को बहकाते क्यों भाई? ठीक है बात बाबा जी। हाँ जी। बाबा जी आप ये बताइए कि जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पर आपका चुनाव निशान जो है कौन से नंबर पर है? मेरा बैलेट पेपर पे जी 7 नंबर पे दीवार घड़ी का निशान है, सतपाल सिंह दीवार घड़ी, 7वें नंबर पर बटन जो है वो बटन है जी, बटन के सामने वाला दीवार जो निशान के सामने वाला बटन दीवार घड़ी का है जी। और मेरा जो बैनर पे भी मैंने दीवार घड़ी का, आप देख रहे हैं मेरे पीछे दीवार बैनर लगा हुआ है। हाँ, ये दीवार घड़ी का चिन्ह है जी, इसको कहते हैं टाइम पीस, कईयों को टाइम पीस कहते हैं, कोई कोई घंटा बोलता है जी बाबा जी। जो अब पढ़ी पढ़ी लिखी दुनिया आ गई है, हो गई है दिमाग वाली दुनिया, सभी को पता है अभी पहले घंटा बोलते थे, अब इसको सभी या तो दीवार घड़ी बोलते हैं या टाइम पीस बोलते हैं, ये टाइम बताती है। ये मेरा निशान है जी। तो आप सभी भाइयों से, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, युवा जो साथी हैं और बुज़ुर्ग मेरे हैं, मैं उनको सच्चे उनका प्यार चाहता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं, समर्थन चाहता हूं और सहयोग चाहता हूं कि आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और अपना प्यारा आशीर्वाद देकर, मुझे प्यार देकर, क्योंकि मैं प्यार को भी मानता हूँ, प्यार में ही सब कुछ है, प्यार में ही सब कुछ है। अगर कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं तो समय तो लगता है, समय बिल्कुल लगेगा उसको, साल, 2 साल, महीना, 6 महीने, जितना मर्जी समय लग जाए, पर जो काम प्यार से बन जाए उससे बड़ी बात नहीं होती। प्यार जो है ना, सब्र का जो फल है मीठा होता है, सब्र करो, इंतज़ार करो, आपको आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आपको प्यार भी मिलेगा और सब्र का फल भी मीठा मिलेगा। सब्र करोगे, इंतज़ार करोगे, आशावादी रहना चाहिए। किसी ने मेरे को कहा था, एक हमारे यहाँ से पढ़े हुए अपने लेक्चरार बिल्कुल बलवान जी हैं, बलवान जी लेक्चरार मास्टर हैं अपने हरिजनों में से, उन्होंने कहा था भाई आशावादी रहना चाहिए आदमी को, तो आस रखनी चाहिए आदमी को, आस पीछे हारना नहीं चाहिए यार, ये ना ये तो तेरा काम नहीं बनेगा, छोड़ यार इसको नहीं, लेकिन मन में आशा धारणा चाहिए, संघर्ष करते रहो, काम करते रहो, कर्म करते रहो। मेरे को कई लोगों ने बोला भाई तू यार इतना खर्च ना कर, कई भाइयों ने कहा भाई तू यार ये खर्चा कर रहा है, खर्चा क्या, मैंने कौन सा हलवाई रखा है हमें, मैं पकोड़े नहीं बांट रहा किसी को, शराब नहीं, अंडे नहीं, मीट नहीं, शराब बांट रहा, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास इतना है ही नहीं। सही बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरे को बिना खर्चे करी से करने के बिना, खर्चा तो करेंगे तो बुरकी मुँह में डलेगी, हम खाना खाएंगे तो खर्चे से आएगा, पैसे से आएगा। सही बात। कोई भी काम बनेगा वो खर्चे से पैसे बनेगा। मैं कह दूं भाई, मैं तो सरपंच बनना चाहता हूं, मैं अपने घर में बैठ जाऊंगा, मैं लोगों को क्या पता है, सतपाल भी सरपंच बनना चाहता है, मेरी वो क्या मेरे को सरपंच बना देंगे, या मैं राजनीति में आ जाए, मैं ब्लॉक समिति का सदस्य बनना चाहता हूं, क्या मेरे को वो ब्लॉक समिति का सदस्य बना देंगे? सही बात है। या मेरे को जिला प्रसिद्धि का बड़ा मेम्बर बना देंगे, कोई मंत्री बना देंगे मेरे को? ठीक है जी, मैं देखो खर्चा तो करना पड़ेगा, चाहे काम कैसा भी है, छोटा है बड़ा है, उसमें पैसे तो लगाने पड़ते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं मेरा खर्चा लगा, अरे मैंने खर्चा किया भी नहीं। कुछ भाइयों ने मैं कहा तू रहने दे, तेरे को वोट नहीं डलेगी, तू वैसे ही खर्चा कर रहा है। ठीक है भाई, पैसा खर्चा लग जाएगा, कोई बात नहीं, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही बात। अगर हम पैसे लगाएंगे तो ही कुछ, मतलब दुकान से सौदा खरीदेंगे, शहर से कुछ सामान लाएंगे, घर का खर्चा चलेगा, और इधर जो जो अपने खर्चे हैं वो सभी के खर्चे से चलेंगे। घर बैठे किसी को राजनीति नहीं मिलेगी, ना किसी को कोई सरपंच बनाएगा, ना किसी को पंच बनाएगा, ना जिला प्रसिद्धि का मेंबर बनाएगा, और ना ही ब्लॉक समिति का मेंबर बनाएगा। इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा से थोड़ा तो पैसा तो जरूर खर्चा करना पड़ेगा। बाकी मैं देखो जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने पानी रखा है और मेरी दिल की भावना में चाय भी रखूँगा लोगों के लिए भी, चाय कोई किसी के दिल में कोई है, 2 घूंटे चाय की कोई पी के जाएगा मेरे से, ठीक है जी, चाय पी के जाओ, पानी पी के जाओ, वो उसका कर्म का है, मेरा नहीं है, वो उसका है। मैं सबके लिए से मैं तत्पर से तन मन से दिल से खड़ा हूँ, सेवा करूँगा, और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं बैठा नहीं, ना मैंने मेरे को आके किसी ने लालच दिया भाई तू इतने 1000 ले ले, तू 1,00,000 ले ले, 10-20 हज़ार ले ले, 50,000 ले ले। मैंने पहले ये सोचा था भाई देखो कोई बिठाने आएगा, मैं बैठूँगा नहीं भाई, मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है,
पैसे तो रंडी के पास बहुत होते हैं और उसकी कहते इज्जत नहीं होती। सही बात, हमें पैसा नहीं है, हमें तो आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग और समर्थन चाहिए जी, आपकी वोट चाहिए, प्यारी वोट, आपका प्यार चाहिए, आपका ठीक है समर्थन सहयोग और आशीर्वाद भी चाहिए आप सभी गाँव का। इसलिए मैं गाँव भागल से बाबा बेगदास के बेटे, मेरा नाम सतपाल है, मेरा जो चुनाव चिन्ह है जी वो दीवार खड़ी आप देख ही रहे हैं, और ठीक है जी वहाँ भी मैं इलेक्शन में चुनाव चिन्ह मेरा दीवार खड़ी ही रखूँगा। सभी को यही बताऊँगा दीवार खड़ी पर जो मैं गवर्नमेंट ने मेरे को सरकार ने मेरे को चुनाव चिन्ह दिया है वो दीवार खड़ी का दिया है जी, ठीक है जी। अगर मेरे को आपने आपको मेरी कोई किसी बात में ऐसा वैसा कुछ फर्क लगता है तो मैं अगर मैं गलत बोलता हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अगर उसमें मेरे को कमी है तो आप बताओ मेरे को क्या कमी है। मेरा फ़ोन है जी 97297-16076, ठीक है जी, और नाम सतपाल, सतपाल वैसे सतपाल सिंह रंगा भी है मेरे, रंगा कहते हैं रांगरे, सही गोद तो है रांगरे ये, लेकिन जो रंगा बनाया है ये सजावट के लिए बनाया है भाई, लोगों को अच्छा लगे भाई, सतपाल सिंह रंगा, गुलवान सिंह रंगा, ये अच्छा लगने की है, ये अच्छा लगने के लिए है, लेकिन जो गोद तो होता है उसको अच्छे ढंग से बोलो रांगरे गोद है, रांगरे जो अपना हर जैसे पूनिया गोद है, पूनिया गोद के हमारे जाट भाई हैं, कितने पूनिए हैं, सबसे ज़्यादा पूनिया गोद के हमारे गांव में जाट लोग अच्छे लोग हैं। और इसमें देखो मैं वाल्मीकि भाई हैं मेरे जितने भी हरिजन भाई हैं जाट भाई हैं वो मेरे को बड़े अदब से प्यार से मिलते हैं, मेरे को सत श्री अकाल भी बोलते हैं, नमस्कार भी बोलते हैं, हाल चाल भी पूछते हैं, मेरे पाँव में भी गोडों में ऐसे पैरों में हाथ लगाकर मेरे को नमस्कार बोलते हैं। मैं कभी मिल जाऊं दिन को रात को शाम को कहीं रास्ते में आता जाता मिल जाऊं तो मेरे को बड़े अदब से प्यार से मिलते हैं, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, छोटा सा प्राणी, कोई बड़ा मैं वो नहीं, धनाढ़ आदमी नहीं मैं, अमीर ऐसा कुछ नहीं, मैं तो छोटा सा आपका तुच्छ एक सेवक हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ भाई। मैं तो जी सभी का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को इतना प्यार से बोलते हैं, वो तो मेरे घर वालों से भी अच्छे हैं, इतने तो मेरे घर वाले मेरे भाई मेरे भतीजे भी नहीं जो मेरे को तमीज़ से बोलते अकल से बोलते जितने बाहर के बोलते हैं, मेरे को अब सभी प्यारे हैं, मैं सबको चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ और चाहता ही रहूँगा, ठीक है जी। मैं ये इलेक्शन के लिए नहीं सभी बातें बोल रहा हूँ, मैं वैसे भी ये मतलब मेरे दिल की एक भावना है, अपने जो मेरे दिल में है वही बोल लूँगा मैं, ठीक है जी। उससे बाहर गलत फालतू में ना तो मेरे को आता ना मैं कोई ज्ञानी ना मैं विद्वान पढ़ा लिखा कुछ नहीं, ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ और कोई तपस्वी या सन्यासी कुछ नहीं हूँ, मैं ना बाबा हूँ मैं, ना मैं पंडित हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना योगी हूँ, मैं तो एक सीधा साधा प्राणी हूँ, सादा साधा तुच्छ प्राणी, ठीक है जी। अब इस बार मैं इलेक्शन में आया हूँ जी और इलेक्शन में मेरा सब कुछ मतलब कंप्लीट काम हो चुका है, इसलिए मेरे गवर्नमेंट ने मेरे को चुनाव चिन्ह दीवार खड़ी दिया है, तो 30 तारीख को वोटें बताओ बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं तो अपने वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए उनकी आवाज़ उठाने के लिए वे मेरे वर्गों को मेरे गांव को जो नौकरियां मिले काम मिले सभी को नौकरियां मिले। यह देखो गवर्नमेंट ने जैसे आंगनबाड़ी का दे रखा है सिस्टम, स्कूलों में खाना मिलता है और आंगनबाड़ी में खाना मिलता है, ऐसी छोटी छोटी बहुत से मतलब गवर्नमेंट ने वैसे काम चला रखे, चलो ठीक है उनको रोज़गार मिला हुआ है, मैं ये कहता हूँ माताओं बहनों को रोज़गार मिला है, बच्चों जो आदमी उनको भी रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन इनसे कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे काम हैं जो गवर्नमेंट ने दिया। मैं तो ये चाहता हूँ अपने पूरे हरियाणा के अंदर, वैसे तो हरियाणा बहुत बड़ा है, सबसे पहले कहूँगा मैं तो हल्का गुला में जितने गाँव हैं मैं तो अपने एरिया के सबसे इनको यहाँ से लेके चलता हूँ बात को, इनकी बात करूँगा मैं अपने गुला हल्का में, और मैं गाँव बागल का हूँ, सतपाल सिंह मेरा नाम है, मैं तो कहूँगा भाई सबको नौकरी मिले जी, ये छोटी छोटी छोड़ दो इनको बातों को, ये जो आंगनबाड़ी में छोटे छोटे 5-5 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये रखी हुई हैं नौकरियाँ पे लगाई हुई हैं और प्राइवेट नौकरियाँ, इनको छोड़ो आप सभी को नौकरियाँ दो, अच्छे कामों पर लगाओ, इतने डिपार्टमेंट हैं, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतने नहर जंगल और दूसरे महकमे उनको उनमें जंगलों में काम दे दो, नौकरियां दे दो, नहर महकमे की नौकरी दे दो, स्कूलों में अस्पतालों में नौकरी लगा दो, ठीक है जी। मैं तो कहूँगा सभी को नौकरी दे दो, ये छोटी छोटी बातें छोड़ दो, ये तो भीख देने वाली बात है,
ये किसी को काम देने वाली बात नहीं है, ये तो भीख देने वाली बात है। किलो चीनी दे दी, अब देखो राशन कार्ड पे चीनी मिलती है, एक किलो चीनी मिलती है। किसी मंत्री को मैं एक किलो चीनी देता हूँ, इतने मंत्री, इतने नेता, इतने लीडर हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुलाजम हैं, नौकर हैं, मैं उनको को बोलता हूँ भैया ये चीनी ले रहे एक किलो, भाई तो इनके इससे काम चला रहे, क्या वो एक किलो चीनी से ये काम चला सकते हैं? उनका एक महीने का, हफ्ते का काम चल जाएगा, एक किलो चीनी में चल जाएगा? 2 लीटर तेल बोतल देते हैं तेल की, सरों की, जी तो भी बंद होगी, वो भी बंद कर दी। 2 लीटर की बोतल देते हैं, क्या उसमें महीना आपका निकल जाता है? क्या उसमें आपका 6 महीने का, साल का खर्चा निकल जाएगा? ऐसे हैं, देखो मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का, भाई छोटी छोटी जो हैं इनको थोड़ा बड़ा करो, इनको बड़ा बना दो, ताकि लोगों को किसी से मांगना ना पड़े दिहाड़ी मजदूरी। आप एक मैं और कहना चाहता हूँ, अब मशीनी जो ज़माना आ गया है, जो मजदूर पहले मजदूरी करते थे वो अब पीछे हट गए, उनको काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई मशीनें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो मशीनों का युग आ गया है, हर चीज़ को बनाने काटने वाली और बनाने वाली मशीनें आ गई हैं। ईंटें बनाने वाली, जो ईंटें बनाती हैं कच्चे, उनकी मशीन आ गई, आटा बनाने वाली, फसलें काटने वाली, फसलें उगाने वाली, लगाने वाली, जहाँ मर्जी देख लो मशीनें ही मशीनें। तो नौकरी इन लोगों को, गरीब लोगों को दिहाड़ी कहाँ से मिलेगी? ये कहाँ से करके खाएंगे, अपना घर परिवार कहाँ से चलाएंगे? ये इनका खर्चा जो चूल्हा कैसे जलेगा? अगर ये सभी मतलब देश में मशीनें हो गई तो इन गरीबों को नौकरी कौन देगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? ये कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ कैसे जिएंगे, इनके बारे में तो सोचो। नौकरी गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं रही है, और ये मशीनें हो गई हैं, ये काम से अपने घर बैठ गए सभी लोग जो बेचारे काम करते थे। ये बताओ इनका कहाँ से काम चलेगा? मैं तो यही कहूँगा जी, भाई सभी समाज में सभी लोगों को, गरीब से लेके अमीर, चाहे मैं ये कहता हूँ भी अमीर को भी नौकरी दो जी, गरीब को भी दो, सबको दो जी नौकरियाँ, काम धंधे दो उनको, काम जो पे लगाओ काम पे लगाओ, और उनको सरकारी नौकरियों पर रखो, चाहे नौकरी थोड़ी भी हो। यह नहीं मैं कहता भी महीने के 70,000, 80,000, 50,000, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये उसकी पेंशन हो, उसकी जो तनख्वाह हो, ये नहीं कहता। हर महीने के आप 1,000 रुपये लगा लो, आप हर नौकर को, जो नए अब नौकरी पे लगेंगे, गवर्नमेंट नौकरी पे लगाएगी, ठीक है जी, तो उनको आप प्रति महीना 1,000 रुपये दे दो। जैसे 30 महीनों का है, 30 दिनों का एक महीना होता है, हर महीने के 1,000 रुपये लगा लो आप, 30,000 बनता है। अगर 28 दिन का महीना है तो 28,000 बन गए, 31 दिन का है तो 31,000 बन गए, अगर 30,000 हैं तो 30,000 बन गए। उससे ऊपर जो आप देते हैं वो गलत है, इसलिए तो हमारे राज्य में जो है कहते हैं भाई ये फिर ज़्यादा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, भाई कहते हैं घाटा आ गया गवर्नमेंट को, घाटा आ गया, ये है क्यों हम वो खाम खाई वैसे पैसे बर्बाद कर रहे हैं? अब आगे जो आपने नौकरियों पर रखने हैं लोग, उनको आप हिसाब लाभ के सोच समझ के, अपना मता पका के, मीटिंग और बैठक बिठा के, मंत्रियों की, लीडरों की, नेताओं की, और पढ़े लिखे जो है मुलाजम है उनकी सलाह लेकर, बड़े से बड़े मंत्री तक उनकी सलाह लेकर, समाज में, अपने देश में, भारत देश में ऐसा एक मत पकाओ, वहाँ पे एक ऐसी मीटिंग रखो भी सबको नौकरी मिले, और ये नहीं भी उसको मतलब 30,000 से किसी को 31,000, 31 दिन का महीना होता है, हर रोज के 1,000 लगा लो तो उसको वैसे ही जितने दिन का महीना होता है उतने उसको, उतने 1,000 उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उससे ऊपर कोई फायदा नहीं है। ये तो वहाँ पे ऐसे डकार मार के आ जाते हैं, पक्खे लगे होते हैं, आलसी बने बैठे रहते हैं, काम तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत कभी किसी के सहन आते हैं कर देते हैं, नहीं तो ठीक है वहाँ से कभी इधर कोई गेड़ा, कभी उधर आ में क्या हाल है, एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं, हंसी मुखोल ठाठा करते हैं एक दूसरे से। वहाँ इतना काम कई डिपार्टमेंटों में हमने देखा है, काम तो होता ही नहीं वहाँ से, कई जो मुलाजिम है ऐसे ही अपने 4-5 बजे छुट्टी होती है घर को आ जाते हैं, किसी के पास तो काम का इतना हो जाता है वजन के बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है, कि कोई ऐसा भी होता है भी आराम से बैठा है उसको कुछ करने वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं आता, वो क्या करेगा, आराम से पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आराम से बैठा है, चाय आती है पी लिया, ठीक है भाई हाल चाल, फ़ोन पे बात चल रही है, फ़ोन आ गया उस पर लगा रहा है, बात पूछ रहा है अपने दोस्त मित्रों से, रिश्तेदारों को इधर उधर, कुछ फ़ोन पे लगा समय निकाल देता है, कुछ इधर फिर के बैठ उठ के चलो जी। ये ऐसी भी है कि जो हमारे देश में
ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, उनको तो आप नौकरी तनख्वाह कम दे रहे हैं, जो हैं दिल से और मन से पूरा जोर लगा के मेहनत कर रहे हैं उनको तो नौकरियां जो तनख्वाह उन तो कम मिल रही है, और जो आराम से बैठ के आते हैं उनको नौकरियां आप 70,000 50,000 90,000 85,000 लाख रुपए तक नौकरियां अपने जो उनकी तनख्वाह बनाई हुई है वो उनको आप दे रहे हैं। क्यों भाई, वो ज़्यादा काम करते हैं, जिनको आप लाख रुपए देते हैं, 80,000 रुपए देते हैं, 70,000 देते हैं, 75,000 देते हैं, 65,000 देते हैं, 50,000 देते हैं, क्या वो उन दूसरों से ज़्यादा काम करके देते हैं? हमारे देश में ऐसे कुछ हैं, इनको बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए। फिर हमारे दूसरे है, कोई मंत्री है, कोई MLA है, कुछ छोटे से लेकर ऊपर तक बड़ा भी कोई भी है काम करने वाला सरकार का वो है नौकर, तो पता क्या, अगर वो कोई काम कर लेता है चोरी से कर लेता है और लोगों को पता भी लग जाता है भाई इसने ये घपला किया है, इस काम में इसने ये घपला किया है, तो वो लोग उस समय नहीं बोलते जब वो घपला हो जाता है, पैसे पुसे खा जाता है, ले जाता है पैसे उड़ा के, बाद में बातें ही रह जाती हैं। बात ये सारे लोग बातें मारने के लिए हैं, इनसे बनता कुछ नहीं। धन्यवाद बाबा जी। इसलिए मैं ये कहूँगा, देखो उनके खिलाफ आवाज उठाओ जो ये पैसा खाते हैं, गवर्नमेंट का, लोगों का, समाज का, जनता का, पब्लिक का पैसा खाते हैं, गवर्नमेंट का पैसा खाते हैं, ऐसे लोगों को उसी समय उनकी कंप्लेंट करो, उनको रोको, उनके बारे में बताओ, आवाज़ उठाओ। ठीक है जी, घर बैठी ये इनको हाँ भाई फलाना तो मंत्री भाई, फलाना तो MLA या फलाना आदमी इतने पैसे खा गया, वहाँ से इतने पैसे, इतना घपला कर गया, ये तो बातें ही बातें हैं, बातों का क्या है। धन्यवाद जी। तो यूँ है अपने गेल सतपाल सिंह जी, इनका चुनाव चिन्ह जो है वो है दीवारगढ़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें भाई को। और मेरे को भी दोस्तों आपसे शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं करते, तो कृपा करके मेरी ओर भी ध्यान दें। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।